वेलकम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में जितना मेरे पास नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से मैं वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो गलती से माफ करना, लेकिन मैं अपने दिमाग से थोड़ा थोड़ा टॉपिक कवर करूँगा जो थोड़ा सा मैंने लिख भी रखा है। तो पहला जो टॉपिक है जो वुमेन सेफ्टी के लिए ज़रूरी है दोस्तों, वो है कि कभी भी जो बहुत सारे शहर में लड़की एयरफोन ला के घूमती रहती हैं तो वो सुनसान रोड पे एयरफोन ला के ना घूमें, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे चोर होते हैं या कुछ भी होता है तो उन लोग को पता नहीं चलेगा। तो ये एयरफोन ला के मत घूमो सुनसान रोड पर। और दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, वो हमेशा बिना अपने मम्मी पापा को बताए कहीं भी मत जाओ, ताकि उन लोगों को एक आइडिया हो कि उनकी बच्ची कहाँ गई है। दूसरी जो हाँ ये दोस्तों ये है कि दूसरी जो चीज़ है कि अगर आप लोग अगर कहीं ट्रेवलिंग करते हो तो हमेशा जो होता है ओला ऐप, उबर ऐप, उन सबको अपने मोबाइल में रखा करो, ताकि इनसे थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमेशा नेट पर नेट तो सबको यूज करने आता है, तो नेट पर अपने लोकेशन हमेशा ऑन रखना चाहिए ताकि इससे मदद हो सके उन लोगों को। और हमेशा कभी भी चलते कहीं भी जाते समय अनजान लोगों से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहर में बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि बहुत सारे लड़के होते हैं कि अनजान लोगों से दोस्ती करने लगती हैं, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। बिना जान पहचान किसी से बात तक मत करो। जो हेल्प करना इंसान कर थोड़ा सा बातचीत कर सकते, लेकिन नहीं। और हमेशा अपने मम्मी पापा को कैब का नंबर या रूट का नंबर या ऑफिस सबके एड्रेस बता के रखो, ताकि उन लोग को पता हो कि उनकी बच्चियाँ कहाँ जाती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल सब्सक्राइब करो। आई होप कि आप लोग की वीडियो अच्छी लगी। राम जी।